एक दो नहीं ख्वाहिशें हजार रखिए दिलों में हौसलों का अंबार रखिए मंजिलें कर रही हैं इंतजार आपका सफर जिंदगी का यूं ही बरकरार रखिए हेलो एवरीवन माई नेम अनुराग दांगी एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लीड बाई एक्शन सो लेट मी स्टार्ट विथ इन अफ फिल्ड विथ एम्पटी प्रोमिस एंड वर्ड्स विच ऑफ इन फॉल शॉर्ट द पार ऑफ एक्शन कैन नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड एक्चुअली Through our actions, we inspire people, we lead, and we create a great impact in life. Just answer me. Just think of someone who has greatly inspired your life. Just think of someone who has a great influence in your life, who has a great impact in your life. Think of someone. Is it because he speaks very well, or his actions inspire you? Obviously, your answer would be. वर्ड्स लेटमी right? एक घर में एक माँ के दो तो बच्चे होते हैं एक लड़का और एक लड़की जो बेटा होता है वो माँ के पास बार बार जाता है और माँ को कहता है मम्मा आई लव यू सो मच मम्मा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मम्मा मम्मा मुझे खाना दो ना मुझे भूख लगी माँ उसे खाना देती है और फिर बोलता है मम्मा आई लव यू सो मच दूसरी बार वो जब खेल के लौटता है घर और फिर मम्मा के पास जाता है मम्मा मेरे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है मम्मा मुझे आइसक्रीम दो ना मम्मा आइसक्रीम देती है और फिर बोलता है मम्मा आई लव यू सो मच उसके बाद फिर खेलने चला जाता है और जब लौट के आता है तो मम्मा से कहता है मम्मा मेरे को वीडियो गेम खेलने का मन कर रहा है अपना मोबाइल फोन दो ना मम्मा मोबाइल फोन देती है और वो वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है और मम्मा को देख के बोलता है मम्मा आई लव यू सो मच माँ खुश हो जाती है लेकिन वही दूसरी तरफ बेटी

Because we know very well, accents speak louder than the words. But my friends, I have seen many people blaming their situation. I have seen many people blaming their surroundings. I have seen many people. They blame their friends, their relatives, even their parents, even their teachers. And they don't take action. They just, they just sit idle and they don't start anything in his life.

तो मेरा दावा है कि ये जो मां का दिल है ना ये जो माँ का प्रेम है ना आपके लिए भी खूब खूब उमड़ता होगा जितना हमारे लिए उमड़ा होगा जब बचपन में हम चलते थे तो चलते चलते कहीं गिर जाते थे लुढ़क जाते थे तो मां आती थी और मां कहती अरे मेरा लाल और गोद में उठा करके बड़े प्यार से पुचकारती थी अरे मेरा बेटा चोट लग गया चोट लग गया अरे तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी जमीन की गलती थी हट हट मां पड़ी

वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अगर खराब होता है तो उसके प्रति उसके लिए कोई और जिम्मेवार होता है क्योंकि हमने बचपन से ये चीजें देखी है ये जो नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है हमारे जिंदगी में बचपन से वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आज भी अगर हम एग्जाम में फेल होते तो हम तनिक भी देर नहीं लगाते कह देते मेरा टीचर खराब था कह देते मेरा कॉलेज खराब था मुझे प्लेसमेंट नहीं मिली कह देते मेरे फ्रेंड सर्किल खराब थे जिसने मुझे बहका दिया कह देते हैं मेरे पेरेंट्स खराब थे उन्होंने तो मुझे पैसे ही नहीं भेजे मतलब बी ब्लेम All time, I want to tell them कि जब लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं और खुद ही नहीं चलते संभल कर दोष देते हैं My dear friends, फ्रेंड्स चेंज attitude, एटीट्यूड जस्ट फ्रॉम stop ब्लेमिंग एंड start टेकिंग actions क्योंकि आप जिंदगी में वही बनते हैं जो आप चुनते हैं अगर कोई जिम्मेदार है आपके जिंदगी के लिए आपके जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उस चीज के लिए तो वो आपके चॉइसेस है क्योंकि आपका जन्म लेना और मरना आपके वश में नहीं सिर्फ और सिर्फ एक चीज है आपके वश में कि आप क्या चुनते हो आपने डेली में रहना चुना चुना आपने मेरठ में रहना चुना आप लंदन में रहना चुनेंगे आप जो कुछ भी चुनेंगे उसके अनुसार आपकी जिंदगी होगी आप नीट की तैयारी चुनेंगे आप डॉक्टर बनेंगे आप आईआईटी की तैयारी चुनेंगे आप इंजीनियर बनेंगे आप जो चुनेंगे वही बनेंगे इसलिए जिंदगी में जब भी आप चुनाव कीजिए तो चुनाव बेहतर कीजिए लेकिन सवाल यह है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमें समझ में ही नहीं आता कि हम चुनाव करें तो करें कैसे कई सारे लोग आते हैं हमारे पास आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो आई टेक ट्रेनिंग्स आई गो टू द दॉलेजे यूनिवर्सिटीज आई टॉक टू द पीपल तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और वो मिलते हैं वो कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता करना क्या चाहिए क्योंकि बचपन से हम बड़े बड़े ख्वाब लेते हैं हमने भी लिए थे जब आसमान में एरोप्लेन को उड़ते देखता था तो लगता था मैं पायलट बनूंगा थोड़े दिन बाद एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना तो मुझे लगने लगा कि यार मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा उस समय एक बहुत ही प्यारी सी मूवी आई थी रिलीज हुई थी ब्लॉकबस्टर हुई सब लोग देखने गए हम भी देखने चले गए और जब मूवी को देखा तो उसमें जो लीड एक्टर थे उन्होंने अंडरकॉप के एजेंट का किरदार निभाया था मुझे लगने लगा था मैं अंडरकॉप का एजेंट बनूंगा तो ये जो ख्वाब हम देखते हैं दसवीं से पहले आठवीं नौवीं से पहले वो ख्वाब कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट ख्वाब होते रहें वो बदलते रहते हैं वक्त के हिसाब से हम जो देख लेते हैं हमें वही पसंद आने लग जाता है तो वो ख्वाब हमारे था कॉन्क्रीट ख्वाब होते नहीं है वक्त के हिसाब से वो बदलते चले जाते हैं लेकिन एक वक्त आता है जब आपको जिंदगी मौका देती है कि बेटा तू चुन ले अपने हिसाब से जो तू चाहता है क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ तो यही होता है जैसा मेरे साथ हुआ था मेरे माँ बाप ने मुझे पुश किया कि बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले बट अनफॉर्चुन सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरी इंजीनियरिंग तो नहीं हुई क्योंकि चार महीने की पढ़ाई के बाद मैंने क्विट कर दिया था वो कुछ ऐसा था जो क्विट करना ही था उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास बट यस yes, अभी मुझे लगता है कि वो जो कुछ हुआ था वो अच्छा हुआ था और उसके बाद जो मैंने अपने जिंदगी के लिए चुना है उसकी वजह से आज मैं जो कर पा रहा हूं अपनी जिंदगी में वो सच में काबिल तारीफ है वो बहुत बड़ा है एक वक्त ऐसा था कि मैं अपनी बहन मामा जी की बेटी को कॉल करता था और बोलता था हेलो बात करने के लिए हेलो दीदी कैसी हो तो उधर से पूछती थी मेरे से हेलो ब्रो यू हम फोन फेंक देते थे बिकॉज आई डेंट नो द मीनिंग ऑफ यू मुझे यू का मतलब नहीं पता था बट यस नाउ आई गो टू द कॉलेजेस गो टू यूनिवर्सिटीज आई गो टू कॉर्पोरेट कंपनीज एंड देर आई टेक ट्रेनिंग्स इन इंग्लिश थिंक अबाउट इट एक वक्त जब मुझे हवायों का मतलब नहीं पता था एंड राइट नाउ आई एम टेकिंग ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज लाइफ चेंज इज माई फ्रेंड एंड हाउ इट चेंज इट चेंज जस्ट बिकॉज आई डोंट बिलीव इन वर्ड्स ओनली आई बिलीव इन एक्शंस मैंने एक्शंस ली एंड उन एक्शंस ने मेरे जिंदगी में बदलाव किए तो मैं बात कर रहा था कि चुने कैसे तो ये बिल्कुल एक कॉन्क्रीट सलाह दूंगा जिस चीज को मैं मानता हूं कि जब भी आप अपने करियर का चुनाव कर रहे हो या जब भी अपने जिंदगी में जो कुछ भी चुनना चाहते हो जिस फील्ड में जिस प्रोफेशन में जाकर के आप अपने जिंदगी को एक ऊंचाई देना चाहते हो तो सबसे पहले सवाल आप कीजिए कि क्या आप जो चुनने जा रहे हो उसमें आपका अपना इंटरेस्ट है भी अगर जवाब आता है कि हां इसमें मेरा इंटरेस्ट है तो आप यकीन मानो कि पहली सीढ़ी आपने तय कर ली अपने करियर के चुनाव की कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो यस यू शुड चूज दैट बट एट द द सेम टाइम यू शुड आस्क सेकंड क्वेश्चन आपको दूसरा सवाल पूछना चाहिए कि क्या अगर मैं मैं इस चीज को चुनूंगा क्या अगर मैं इधर जाऊंगा तो मेरे लाइफ में रेगुलर अपग्रेडेशन होगा क्या मैं हर दिन अपने जिंदगी में बेहतर होता जाऊंगा अगर जवाब मिलता है यस yes, तो आप दूसरी सीढ़ी तय कर चुके हैं इंटरेस्ट था और रेगुलर आप अपग्रेड करेंगे अगर आप उस प्रोफेशन में जाने वाले हैं तो इससे बड़ी बात इससे बढ़िया करियर कुछ हो ही नहीं सकता लेकिन अगर आप तीसरा सवाल पूछ ले और उसका भी जवाब मिल जाए तो वो आपके लिए बेहतरीन करियर होगा और वो तीसरा सवाल है कि क्या इस काम को करने से मुझे पैसे मिलेंगे अगर जवाब आता है हां पैसे भी मिलेंगे तो माई डियर फ्रेंड्स आप देर मत लगाइए उस करियर को चुनने में लेकिन मैंने कहा था कि चार बातें मैं बताऊंगा जिसके आधार पे आप करियर चुनेंगे तो यहां तो तीन ही हुआ ये तीन काफी है आपके करियर के चुनाव के लिए लेकिन अगर चौथे का जवाब हाँ आया तो आप यकीन मानिए आप जिंदगी में काम तो करेंगे लेकिन वो काम काम लगेगा नहीं उसमें मजा आएगा वो काम आपका फन हो जाएगा समझिएगा जरा वो चौथा सवाल क्या होना चाहिए चौथा सवाल होना चाहिए कि क्या अगर मैं ये काम करूंगा तो इससे लोगों के लाइफ में इंपैक्ट आएगा क्या लोगों के जिंदगी में कुछ बेहतर होगा क्या लोगों की जिंदगी बेहतर होगी पहला सवाल इंटरेस्ट है यस दूसरा सवाल क्या आप रेगुलरली अपग्रेड करेंगे उधर होने की वजह से तीसरा सवाल क्या यह करने से पैसे आएंगे और चौथा सवाल क्या अगर मैं ये करूं तो यह करने से लोगों के लाइफ में इंपैक्ट आएगा अगर जवाब आता है यस माय डियर फ्रेंड वहीं पे आप फुल स्टॉप लगाइए और उस करियर का चुनाव कर लीजिए क्योंकि वो करियर अगर आपने चुन लिया तो आप खुशी खुशी मजे से अपना चौबीसों घंटा दे पाएंगे उस चीज को दिस इज माई पर्सनल सजेशन फॉर सजेशन फॉर यू यू शुड गो वेद बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू समो क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकला हूं एक ऐसे घर से निकला हूं जहां पे सुबह में खाना बनता था तो शाम में क्या बनेगा पता नहीं अब जिंदगी बहुत अच्छी हो गई एवरीथिंग इज नाइस नाउ अब तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है लेकिन उस जगह से निकला हूं तो उस जगह से मैं यहां तक पहुंचा कैसे आज अच्छा खासा कमाता हूं आज तक लगभग अगर नंबर्स में बात करूं तो मोर देन लैक्स मतलब लाखों से अधिक लोगों को मैंने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग दी है पर्सनल मेंटरिंग दी है और हमारे ट्रेन किए हुए बच्चे आज अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं क्या बताना चाह रहा हूं समझिएगा मैं आपको वो की स्किल्स देना चाहता हूं जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा मैंने अपने जिंदगी में कुछ चीजों पे काम किया वो काम आपको भी करना चाहिए कि आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को बेहतर करना चाहिए आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए और सबसे बड़ी बात अपनी पर्सुएसिव स्किल पे जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए क्योंकि एक दौर था जब सत्य की प्रधानता थी जहां जो सत्य बोलते थे वो पूजे जाते थे राजा हरिश्चंद्र आपको याद होंगे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई थी कि यह सच में सच बोलता है क्या और वो परीक्षा में खरे उतरे थे और आज राजा हरिश्चंद्र को दुनिया जानती है वो था सतयुग का दौर एक दौर आया कलयुग अभी जिसमें हम लोग हैं लेकिन इस बीच में दो और युग निकले हैं त्रेता और द्वापर इन दो युगों में एक में कर्म की प्रधानता हुई एक में धर्म की प्रधानता हुई आप याद कीजिए जिस युग में कर्म की प्रधानता हुई थी वहां पे कर्म के आधार पे वर्ण का विभाजन हुआ जाति का विभाजन हुआ और कर्म की प्रधानता थी जो कर्म अच्छे करते थे वो पूजे जाते थे और एक दौर आया जहां धर्म की प्रधानता हुई धर्म के नाम पे बड़े बड़े युद्ध लड़ लिए गए और आज है कलयुग इस दौर में वाणी की प्रधानता है नहीं गलत सिर्फ वाणी बोल देने से काम नहीं चलेगा हां वाणी की प्रधानता जरूर है लेकिन उस वाणी को बोल कैसे रहा है लोगों वाणी आप तक पहुंच कैसे रही है किसके जरिए पहुंच रही है और किस तरीके से पहुंच रही है किस तरीके से आप तक पहुंचाई जा रही है ये स्किल आपको सीखना चाहिए दैट इज वट आई इज टू कन्वे टू यू पब्लिक स्पीकिंग स्किल आज जरूर सीखिए क्योंकि आप अपनी नजरों के सामने दौड़ा करके देख लीजिए तो आज वो लोग जरूर सफल है अपनी जिंदगी में या फिर वो जो लोग सफल हैं उनको अपनी नजरों के सामने दौड़ाइए और देखिए ये जितने भी लोग हैं वो अच्छा भी बोलते हैं सो so, ये हमारी कुछ लर्निंग्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और अभी फिलहाल यहां से विदा लूंगा जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि बड़े सपने देखिए बड़े ख्वाब देखिए जिंदगी में आप जितने बड़े ख्वाब देखेंगे जितने बड़े सपने देखेंगे आपके हर ख्वाब हकीकत में बदलेंगे क्योंकि वो कहते हैं ना कि सपनों को भूल कर जिया तो क्या जिया दम है तो उसे पाकर देखा और लिख पत्थरों पर अपने जिंदगी की कहानी और सागर को बोल दम है तो मिटा कर दिखा दम है तो मिटा कर दिखा थैंक यू सो मच थैंक यू एवरी